सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किन खिलाड़ियों ने मचाया धमाल बताएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल में तमिलनाडु ने कर्नाटक को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस की है, आइए डालते हैं ऐसी टॉप परफॉर्मेंस पर एक नज़र। सबसे ज़्यादा रन बनाने की बात करें तो तन्मय अग्रवाल हैदराबाद के। तन्मय अग्रवाल ने 7 मैचों में 55 की औसत से 334 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 148 का रहा है। उनका टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर 97 रहा है और वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने की लिस्ट में टॉप पर हैं और उन्होंने इस टूर्नामेंट में 4 अर्धशतक भी लगाए हैं। तो वहीं सबसे ज़्यादा विकेटों की बात करें तो हैदराबाद के गेंदबाज चामा मिलिंद ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 21-22 में सर्वाधिक 18 विकेट लिए हैं। उन्होंने 7 मैचों में 18 विकेट लिए हैं। उनका बेस्ट 8 रन देकर 5 विकेट रहा है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 2 बार 5 विकेट लिए हैं। इस सीज़न में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड विदर्भ के बल्लेबाज जितेश शर्मा के नाम रहा, जिन्होंने इस सीज़न में 18 छक्के लगाए हैं। तो वहीं इस सीज़न में सबसे ज़्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड तन्मय अग्रवाल के नाम रहा, जिन्होंने 35 चौके लगाए हैं। तो वहीं इस सीज़न में हाइएस्ट स्ट्राइक रेट की बात करें तो हाइएस्ट स्ट्राइक रेट जितेश शर्मा का रहा है, जिनका स्ट्राइक रेट 235 का रहा है इस सीज़न में। तो वहीं सबसे ज़्यादा हाइएस्ट स्कोर की बात करें इस सीज़न में किस खिलाड़ी के नाम है तो है प्रभ सिमरन सिंह, जिनका 119 नबाद जो है इस सीज़न में किसी भी खिलाड़ी का हाइएस्ट स्कोर रहा है। इस सीज़न में बेस्ट इकोनॉमी की बात करें तो ये जो है अथर्व ताइडे के नाम रहा, जिन्होंने 2.72 का बेस्ट इकोनॉमी रेट रहा है इस सीज़न में। तो वहीं अगर बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें इस सीज़न में किसी खिलाड़ी का तो वो ऋषि धवन का है, जिन्होंने 23 रन देकर 6 विकेट लिए हैं। तो आपको किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर से कर लें। धन्यवाद।